दोस्तों आज हम एक टेक्निकल प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं जो है ZaxSound कंडेंस माइक्रोफोन। हेलो दोस्तों, ये है कंडेंसर माइक्रोफोन फ्रॉम ZaxSound। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका मेन माइक्रोफोन स्टैंड है, यहाँ पे इसका रेड केबल है। ये काइंड ऑफ अगर ऑरेंज केबल होता या फिर ये माइक अगर रेड स्ट्राइप्स होते तो एक अच्छा लुक हो सकता था। यहाँ पे एक USB ड्राइव है और यहाँ पे इसके तीन स्प्लिटर है, केबल है। यहाँ पे अगर ऊपर देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखा है 3.5 माइक्रोफोन जैक, 6.5 लॉन्ग फिट केबल है। यहाँ पे इसके इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, कंपेटेबल विद PC एंड माइक। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है SF666 प्रो। इसके बैक साइड अगर देखें तो यहाँ पे इसका ZaxSound है लोगो लिखा है। यहाँ पे तीन इमेज दिए हुए हैं, यह है स्काइपी के लिए, यहाँ पे लिखा है टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियो, हैंड्स फ्री ऑटो स्पीच रिकग्निशन, यूज इट एनीवेयर, लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट मोबाइल। तो ठीक है, एक अच्छा लुकिंग फ़ोन है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रफ़ है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है। देख लेते हैं, सबसे पहले इसके साथ एक यूज़र मैनुअल है, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, बट आई डोंट थिंक कोई मैनुअल पढ़ता है। यहाँ पे अगर आप जानते नहीं है कि TRS क्या होता है, TRS क्या होता है, तो यहाँ पे ये सब इसके पोर्ट कैसे लगाना है वो सब डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ साइड में। इसका जो मेन बॉक्स है इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका इसका स्टैंड ये सब मैं कर देता हूँ साइड में। इसका एक अच्छा स्टैंड है, ये अच्छे से रोटेट, मतलब इसको अच्छे से मूव किया जा सकता है, इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। देख लेते हैं अभी मेन इसका माइक्रोफोन। इसका माइक्रोफोन अगर देखें तो यहाँ पे इसका लोगो दिया हुआ है ZaxSound SF666 प्रो। दोस्तों अगर इसका आप साइज़ देखो तो अगर मैं अपना फ़ोन रखूँ जो OnePlus 3T है, तो अगर आप उसका साइज़ देखो तो ये उससे भी छोटा है, तो काइंड ऑफ स्मॉल एक है, अच्छा पॉकेट में कैरी किया जा सकता है। अगर आप YouTube वीडियो करते हैं तो एक स्टैंडिंग वीडियो के लिए तो अच्छा यूज़ हो ही सकता है, प्लस इसको आउटडोर भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ क्या आता है देख लेते हैं। इसके साथ आता है ये एक स्प्लिटर्स है दोस्तों, ये इसको हम लोग सीधा कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन पे, प्लस इसके साथ ये USB ड्राइव भी है। अगर आपके लैपटॉप पे, इसको हम कर देते हैं साइड, अगर आपके लैपटॉप पे माइक्रोफोन जैक लगाने का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको USB से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको बस हमको यहाँ पे सीधा डालना है। यहाँ पे इसका, अगर आप ज़्यादा टेक्निकल बंदे नहीं है तो यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे हेडफोन है, यहाँ पे माइक्रोफोन, तो ये हम माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे सीधा डाल सकते हैं। और अब यहाँ से आप, मैं इसको निकाल लेता हूँ, अब जो यहाँ इसका माइक का ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आप माइक सीधा डाल दीजिए। ये हो गया, ये सीधा आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं USB से। मैं स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल वीडियो इससे शूट करता था, इसका वॉइस क्वालिटी तो काइंड ऑफ ओके है। इसे लगाने का तरीका देख लेते हैं। बस इसको ये देखे तो इसको वायर को यहाँ से जस्ट स्लाइड इन कीजिए और इसको यहाँ से यूँ फिट कर दीजिए, ये इजीली यहाँ पे रेस्ट कर जाता है। फिर आप इसको जितना चाहे अपने पोजीशन एंगल के हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। दोस्तों ये वैसे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैंने इसे मेरे भाई से मंगाया था US से। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूँगा, आप चाहे तो उसको खुद बाय कर सकते हैं, बट खाली जस्ट एक सेफ रहने के लिए, इसके काफ़ी सारे कॉपी अमेज़ॉन इंडिया पे अवेलेबल है। मुझे ये ZaxSound कंपनी का मिल नहीं रहा है amazon.in पे, amazon.com का मैंने लिंक तो दे दिया है। मगर आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इसे इंडिया के साइड से amazon.in से भी परचेज़ कर रहे हैं तो सेम लुकिंग, एग्जैक्टली सेम लुकिंग माइक्रोफोन वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे ये लोगो नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि वो दूसरा है, चालू कंपनी है, ब्रांडेड नहीं है ये। बाय द वे कुछ 1700-1800 में आ जाता है। अगर आप इसे अमेज़ॉन इंडिया पे देखोगे तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, 1700 में अवेलेबल है बस। मगर ये सिर्फ दो हमको मिलेगा, ये 3.5 जैक mm मिलेगा, इसका ये स्टैंड मिलेगा ट्राई स्टैंड, और इसका माइक्रोफोन। इसके जो स्प्लिटर है ये हम लोग को उसके साथ नहीं मिलते हैं, USB कनेक्टर है ये नहीं मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप अमेज़ॉन इंडिया से ले रहे हैं तो सारे डिटेल उसमें मेंशन होने चाहिए। प्लस इसका एक दूसरा एक चीप वेरियंट भी अवेलेबल है जो आई थिंक 1200-1300 का है, मैंने उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, वो उसके रिव्यूज़ कितने कुछ अच्छे हैं नहीं, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिए, आप उसमें ना जाइए। अभी जो हम इसको शूट कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जो मैं इसको शूट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पल पांडा लेवियर माइक्रोफोन से कर रहा हूँ। ये मैं सीधा इसको यूज़ कर रहा हूँ सीधा मेरे टी शर्ट में क्लिप करके। इसका रिव्यू हम कभी सेपरेट कर लेंगे, इससे आपको वॉइस इसका काफ़ी अच्छा पता चल रहा होगा। मगर अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसका वॉइस कैसा है आ रहा है देख लेते हैं। अब ये मुझे मेरे फ़ोन में कनेक्ट करना है, यहाँ पर मैं इसको, मुझे बस सिंपली इसको यहाँ पर जो मेरा माइक्रोफोन वाला है ये यहाँ से इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, सिम कनेक्ट कर लिया। अब ये सीधा मेरे फ़ोन में जाएगा,
वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ से हो रहा है, तो हम चलिए देख लेते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, अब जो मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वाइब्रेशन भी देख रहे हैं, ये इससे आ रहा है, इस ZaxSound माइक्रोफोन से आ रहा है, कंडेंस माइक्रोफोन से आ रहा है। काइंड ऑफ ये एक दिखने में तो अच्छा है, कूल लुकिंग डिवाइस है, मगर कंपेरेटिवली देखें तो पर्पल पांडा का जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा होगा, वो 4,500-5,000 रुपये का है। वैसे मैं फिलहाल इससे इतना ज़्यादा शूट करता नहीं, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो तो वो काफ़ी स्पोर्ट रिलेटेड थे, तो वो आउटडोर थे, वहाँ पर मैं ये मेरा पर्पल पांडा का लावा माइक्रोफोन जो है वो यूज़ करता था। तो मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ कूल डिवाइस है, इसे आप YouTube के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर सिंगर है, अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। दोस्तों, हमने आज एक नया वीडियो ट्राई किया है, होप आपको पसंद आया हो। पसंद नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्ले सेफ एंड प्ले वेरी हार्ड। बाय बाय।